हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सलाम, सच खैर आदाब एंड वड़कम। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट लिपिन दुआ एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डिलीशियस खजाना में। तो जनाब, आज का वीडियो ना बहुत स्पेशल होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी हो गई है रात मिडनाइट और हम हैं इस टाइम पे नोएडा में। तो ये वीडियो है लेट नाइट मील्स इन नोएडा। तो जो भी नोएडा में रहते हैं ना, और जो लोग कभी मतलब बहुत लेट हो गए हैं, इन्होंने खाना ढूंढ रहे हैं रात को 11-12 बजे के बाद क्या क्या मिलता है, तो जनाब ये वीडियो बहुत खास होने वाला है उन लोगों के लिए, क्योंकि ये वीडियो है लेट नाइट मील्स एट नोएडा। और अभी जो है पूरा का पूरा मिडनाइट है, और मतलब मिडनाइट में आपको पता है मैगी पराठे वगैरह अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ गए हैं सेक्टर 62 में। सामने देखो AOV कंपनी है, AOV के जस्ट अपोजिट मिलता है, जिसमें अंडे, ब्रेड और मैगी वैगी मिल जाती हुई है, गुप्ता जी का फेमस मैगी। तो अभी हम लोग ऑर्डर करते हैं अपनी फर्स्ट मील आज रात की। क्या एक करेंगे बढ़िया अंडा मैगी ऑर्डर, और एक करते हैं जी बढ़िया जनाब ऑमलेट ब्रेड, क्योंकि रात हो गई हुई है, अब लगी हुई है भूख, मिडनाइट है, तो भैया लेट नाइट वीडियो है। कहते हैं शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, अपने लिए बढ़िया सा लगवाते हैं एक बढ़िया अंडा मैगी और एक ऑमलेट ब्रेड। तो चलिए जनाब अभी ऑर्डर करते हैं। पीछे ही सामने देखो ना, कार्ट है, यहाँ पे मिलता हुआ मैगी वैगी बढ़िया, अंडे पराठे, बहुत बढ़िया सा आइटम है। मतलब अगर आप अपनी गाड़ी में, हम अपनी गाड़ी लगा दी हुई है, गाड़ी में बैठ के हम लोग अपना इन्जॉय करेंगे, गाड़ी के बोनट पर रख के खा सकते हो। तो वेट नहीं करते हैं, ऑर्डर कर देता हूँ मैं अभी जाके, और एक अंडा मैगी और एक बढ़िया सा ऑमलेट ब्रेड आपको दिखाते हैं कैसा रात को मिल जाता हुआ है नोएडा में सेक्टर 62 AOV के जस्ट अपोजिट। हमारा जो मील है ना आ गया हुआ है, भाई लेकर आ रहा है पीछे, गाड़ी पर ही लेते हैं ये, भैया आप यहाँ पर रख दो। तो ये है एक अंडा वाली मैगी और ये ऑमलेट ब्रेड। तो भैया इसका प्राइस क्या, कितने का ये? 80 रुपये। और ये 40। तो जनाब ये सिर्फ 80 रुपये की मैगी है और ये 40 रुपये में ब्रेड ऑमलेट है। तो अब वेट नहीं करते हैं, ये वीडियो अब शुरू करते हैं, टेस्टिंग शुरू करते हैं। आप लोग आओ पास में और नज़र डालो कि रात को मिडनाइट में नोएडा में क्या क्या मिल जाता हुआ है। तो ये है स्पेशल इसकी अंडा मैगी। थोड़ा सा अंधेरा है क्योंकि मिडनाइट हो गई है, सब लाइटें वगैरह बंद है। तो आप लोग देखो ये अंडा मैगी है जो भाई ने 80 रुपये में दी है। अगर आप यही मैगी दिन में लेते हो ना तो शायद आपको कहीं सस्ती मिल जाए, बट नाइट है तो इस चक्कर में थोड़ा सा महंगा है। तो ये है जी अंडा मैगी इनकी, और जनाब साथ में ये जो है ना, ये है जी ऑमलेट ब्रेड। मतलब दो अंडे का जो ये ऑमलेट है। ब्रेड का जो रेट है ना बड़ा नॉर्मल सा है, लेकिन मैगी मुझे थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मिडनाइट है, कुछ खाने को मिल गया। तो वेट नहीं करता हूँ, मैगी टेस्ट करता हूँ पहले। सबसे पहले है जी ये अंडे वाली मैगी, जो अंडे वाली मैगी सबसे पहले टेस्ट करता हूँ, रात की, मिडनाइट की, रात की बोलो या अर्ली मॉर्निंग की बोलो, क्योंकि टाइम जो हो गया हुआ ना बहुत लेट हो गया हुआ है, बट फिर भी ये मैगी मिल गई हमारे नसीब में। ट्राई करता हूँ इसको। भाई जो संतुष्टि मिली है ना पहली मील खा के, क्योंकि मैंने शाम से कुछ नहीं खाया हुआ था, तो मैंने सोचा था रात को ही खाएंगे एक बार जाके। जो मैगी भी है ना वो मतलब अपना काम एकदम बराबर कर गई हुई है। एक और बार ट्राई करता हूँ, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी हुई है। रात के बज गए हैं कितने, 12 से ऊपर का टाइम है जनाब। तो अगर आप लोग भी नोएडा में आसपास रहते हो और लेट नाइट कुछ खाने को ढूंढ रहे हो, तो आपका स्पॉट हो सकता है ये गुप्ता जी के मैगी और ऑमलेट ब्रेड, सेक्टर 62 नोएडा में। अब खाते हैं जी इनका नॉर्मल जो टोस्ट है विद ऑमलेट, अनियन ऑमलेट में जो है अपना लेयर करके ब्रेड में बिछाया हुआ नॉर्मल सा ऑमलेट ब्रेड है, और रेट भी नॉर्मल है 40 रुपये, 30-35 रुपये का सुबह मिलता है, आई थिंक 40 रुपये रात को, भाई ठीक ले रहा है। तो ये हो गया ना, ये हो गया हुआ पहला मील। अब चलते हैं अपना सेकंड मील खाने, जो पराठे होने वाले हैं। और आप लोगों को पता है जो नोएडा में रहते हो, जो रात का पराठे है ना कहाँ मिल जाते हैं। हम लोग अभी फिलहाल जाने वाले हैं सेक्टर 16, अगर सेक्टर 16 में नहीं मिले तो हम लोग जाएंगे सेक्टर 18 में। दो जगह है जो रात को पराठे मिलते हुए हैं। तो अब वेट नहीं करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं और चलते हैं सीधा। तो जनाब हम लोग आ गए हैं अपने दूसरे स्पॉट पे, कहाँ, सेक्टर 18 में पराठे खाने को। तो ये स्पॉट है ना सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के जैसे अपोजिट में है, और यहाँ पे मिलते हुए हैं रात को बेहतरीन गरम पराठे और साथ में चुस्की वाली चाय। तो वेट नहीं करते हैं, अपने लिए चलते हैं पराठे लगवाने। आइए मेरे साथ, चला जाए स्पॉट पर, पराठे लगवाए जाए। तो भीड़ कितनी ज़्यादा हो गई हुई है, लोग ही लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई हुई है। अपने भी फटाफट ऑर्डर लगवाते हैं, सामने ही जो है ना पराठे बन रहे हुए हैं और सामने गर्म गर्म चाय बन रही हुई है। तो भैया को भी बोलते हैं अपने लिए एक बढ़िया से पराठे लगा देंगे। हम कौन सा पराठा खाने वाले हैं? हम खाने वाले हैं जी एक आलू प्याज का पराठा, और एक बढ़िया सी चाय बनवाते हैं इनके लिए। आप लोग भीड़ देखो कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो वेट नहीं करते हैं, अपने लिए भी पराठा सा लगवाते हैं बढ़िया सा। तो जनाब पराठा जो है ना आ गया हुआ है, वहाँ पर बड़ी भीड़ थी, खाने की बिल्कुल जगह नहीं हुई हुई थी। तो अब बढ़िया सा आप लोग आके नज़र डालो, ये है जी इनका स्पेशल पराठा जिसमें बटर भी डाला हुआ है, भाई ने अंदर मेल्ट हो गया हुआ है, तोड़ के दिखा देता हूँ। तो आप लोग देखो आलू प्याज पराठा है बड़ा सा, और साथ में हमने लिए जी ये कड़क चाय, और इसके साथ में लिया ये ज़बरदस्त चटनी।
तो वेट नहीं करते हैं, आज का ये जो सेकंड मील है ना पराठे का, शुरू करते हैं। तो सेक्टर 18 रात के 1:30 बजे पराठे खा रहे हुए हैं। ओह, साथ में अजी इनके कड़क सी चाय, इसको भी टेस्ट करते हैं। तो भाई साहब, अगर आप लोग भी नोएडा के आसपास रहते हो ना, तो रात को भूख लगी हुई है, रात को आ सकते हो आप लोग। आई थिंक 3:30 बजे तक ये पराठे वराठे मिल जाते हुए हैं, कहाँ पर, सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के जस्ट अपोजिट में। तो वेट मत करो, फटाफट आओ और आके पराठा ट्राई करो। अब चलते हैं हमारा अगला स्पॉट जो है सेक्टर 16 में कैफ़े 16, वहाँ पर जाके ट्राई करेंगे बढ़िया ग्रिल्ड सैंडविच और साथ में उसकी लेंगे स्पेशल कोल्ड कॉफ़ी। तो आइए चलते हैं अपने अगले स्पॉट में। तो जनाब 18 के परांठों के बाद ना बारी आ गई हुई है कुछ बढ़िया सा ग्रिल्ड खाने का, ग्रिल्ड सैंडविच। तो अब लोग आ गए हुए कैफ़े 16 सेक्टर 16 में कैफ़े 16 24/7 रात के बज रहे हुए हैं। एक ऑर्डर करते हैं वेज ग्रिल्ड सैंडविच और एक बढ़िया झकास कोल्ड कॉफ़ी, तो इनका बहुत फेमस आइटम है। आप लोग भीड़ देख रहे हो पीछे, लोग खा रहे हुए टेक अवे करा के जा रहे हैं। आप चाहते हो तो यहाँ पे गाड़ियों में लगा के खा सकते हो, हमने अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर दी हुई है। एक ग्रिल्ड सैंडविच खाते हैं वेज, जो एक सब बहुत रनिंग आइटम है, और साथ में लेते हैं बढ़िया सी कोल्ड कॉफ़ी। तो आइए, अब वेट नहीं करते हैं, ऑर्डर करते हैं अपने लिए बढ़िया सा एक मील। तो चलिए जनाब, ये इनका मेन्यू है कैफ़े 16 का, सब कुछ मिल जाता हुआ है। आप लोग देखो, कोल्ड कॉफ़ी है, शेक्स है, चाइनीज़ है, टी कॉफ़ी, पिज्ज़ा, सैंडविचेस। तो हम लोग खाने वाले हैं इनका स्पेशल वेज ग्रिल्ड सैंडविच और एक कोल्ड कॉफ़ी। तो भैया हमारा एक वेज ग्रिल्ड सैंडविच और एक कोल्ड कॉफ़ी आप दे दो, ठीक है। तो पेटीएम वगैरह सब हो जाता हुआ है, पेमेंट ऑप्शन भी सारे हैं भाई के पास। वेट नहीं करते हैं, डिलीवर हो जाएगा गाड़ी के ऊपर ही। तो चलते हैं गाड़ी में, वेट करते हैं। और डिलीवर जो है ना रेडी हो गया हुआ है, भाई लेकर आ गया। देखो गाड़ी में बड़ी अच्छी सर्विस हो जाती है, बढ़िया बेहतरीन तरीके। सबसे अच्छी बात पता है क्या है, गाड़ी में सर्विस कर देते हैं। तो भैया ऊपर ही रख दो, तो आपको अंदर बैठे खाना अंदर बैठ के खाओ, अगर फैमिली के साथ आ रहे हो या कोई फीमेल आपके साथ में है, अगर आपकी मर्ज़ी है बाहर रख के खाओ। तो भैया कोई दिक्कत तो नहीं होती ना पुलिस वुलिस की, 24/7 खुले हो। आपका नाम क्या है? राहुल। तो राहुल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे सर्विस करते हुए, तो थैंक यू सो मच राहुल। तो जनाब आके नज़र डालो, हमारा जो एक और मिडनाइट मील है ना वो आ गया हुआ। ये है ब्राउन ब्रेड में ग्रिल्ड सैंडविच और अच्छा खासा भाई ने स्टफिंग क्या हुआ है। आप लोगों को मैं खोल के दिखा देता हूँ, आप लोग देखो वेजिटेबल्स है, कैप्सिकम है, अनियन है, मेयो हुए हैं और आई थिंक 1000 आइलैंड डाली हुई है। और ये साथ में है झकास इनकी कोल्ड कॉफ़ी। ओए होए होए होए, तो पहले थोड़ी गर्मी को करते हैं दूर, तो पहले गर्मी को थोड़ा सा दूर करते हैं, पहले पीते हैं इनकी झकास कोल्ड कॉफ़ी। भाई साहब ठंड पै गई, एकदम रिफ्रेशिंग, एकदम जानदार मिल्क, एकदम फ्रेश कॉफ़ी का ना एकदम एग्जैक्ट फ्लेवर है। और थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाला हुआ है, आप लोग देखो, तो और टेस्ट ज़बरदस्त हो गया हुआ है। इसको रखता हूँ साइड में। तो मैं लेता हूँ भाई ये ग्रिल्ड सैंडविच, रात के 1:00 बज रहे हैं, बारी आ गई है इसको खाने की। अब मारता हूँ इसकी बाइट। वाओ, तो 90 रुपीज़ इसका कॉस्ट है, जिसमें ये जम्बो ब्रेड, ये आप लोग बोलो सैंडविच ब्रेड है, कट इंटू 4, और उसके अलावा 60 रुपये की होती है कोल्ड कॉफ़ी। नॉमिनल से रेट है यार, कैफ़े 16 सेक्टर 16 नोएडा 24/7। तो भाई जिस जिसका ये ग्रिल सैंडविच फेवरेट है ना, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो जनाब मैं ये ख़त्म करता हूँ और उसके बाद चलते हैं आज रात के आखिरी स्पॉट में, जो 110% गारंटी है खुला ही होगा, क्योंकि उसका नाम ही है 24/7। तो 24/7 चलेंगे, 24/7 में देखते हैं क्या ऑप्शन अवेलेबल होते हैं रात को नोएडा में। तो वीडियो का टाइटल आपको पता ही है क्या चला हुआ है, अभी तक आपने पढ़ भी लिया होगा, लेट नाइट फूड एट नोएडा। तो वेट नहीं करते हैं, चलते हैं अपने अगले स्पॉट में, आइए मेरे साथ। तो जनाब आज शाम का आखिरी स्टॉप है जी जनाब 24/7 नोएडा में। तो ये लेट नाइट वीडियो ना अंत करने का समय आ गया, आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो अभी वेट नहीं करते हैं, अंदर चलते हैं, 24/7 से कुछ डेजर्ट खाते हैं मीठा, आइसक्रीम बहुत अच्छी मिल जाती है यहाँ पे, और भी आइटम देखेंगे कुछ अच्छा मिल गया। तो आइए मेरे साथ, वेट नहीं करते, चलते हैं अंदर अपने लिए कुछ बढ़िया सा खरीदते हैं 24/7 नोएडा वाले से। बढ़िया से डेजर्ट्स, आइसक्रीम जो है ना यहाँ पर है आइसक्रीम जोन, तो कर्नाटो और ये सब चीज वगैरह सब मिल जाती हुई है, पैक्ड आइसक्रीम मिल जाती हुई है। और ये रात वाला काम भी है, अगर कोई आइस क्यूब ढूंढ रहा है तो 24/7 से आइस क्यूब ले सकता है। इसके अलावा इस फ्रिज में क्या है देखते हैं, इसमें सारी, अच्छा इसके अंदर सारी बॉक्स वाली है। तो हम लोग लेते हैं अपने लिए बढ़िया सी स्पेशल आइसक्रीम, ये लंदन ड्राई वाली, देखते हैं ये क्या कुछ नया आइटम है। लंदन ड्राई लाइट आइसक्रीम वनीला फ्लेवर और नो एडेड शुगर, चलो ये बढ़िया चीज़ हो गई हुई है, देखोगे ना
तो काफ़ी अच्छा है, मतलब कैलोरीज वाइज भी कम है। और इट इज़ 125 ml 78 ग्राम। इसका प्राइस की अगर मैं बात करूँ और क्या रहना, 150 रुपये की है भाई साहब जरा सी आइसक्रीम है। तो चलते हैं इसका बिलिंग कराते हैं, और भी आइसक्रीम के फ्लेवर हैं, आप लोग देखो, आप लोग ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे हमने अपनी आइसक्रीम 21x7 के स्टोर से ले ली हुई है। ये है लंदन डेयरी की लाइट, आप लोग देखो, नो एडेड शुगर वनीला फ्लेवर, छोटी सी आइसक्रीम 125 ml की, मात्र और मात्र 150 रुपये की। रात के बज रहे हुए हैं 2, ये है अब आखिरी स्पॉट, इसको करते हैं जनाब ओपन और देखते हैं कि ऐसा क्या है इस आइसक्रीम में जो बाकी की आइसक्रीम से इसको अलग बनाता है। तो ये ओपन करा, ओहो हो, ओपन करने के बाद ना ये स्पून देखो आप लोग कहाँ दिया होता है, ये इसका स्पून है, इसको करते हैं इससे अलग। 150 रुपये का कुछ तो अलग हो गई, ये जी स्पून अलग किया, साथ में ये रैपर है जो हर एक आम आइसक्रीम पे आपको मिल जाएगा, इसको अनरैप करते हैं, इसको फेंकते हैं यहाँ पे। आप लोग देखो ये छोटा सा स्पून है, इससे मैं ट्राई करता हूँ कि 10 रुपये वाली वनीला आइसक्रीम और 150 रुपये वाली वनीला आइसक्रीम में क्या डिफरेंस होता है। भाई साहब एक बात बताऊँ, उद्दू कट गया मेरा, कुछ डिफरेंस नहीं है यार, 10 रुपये वाली से ज़्यादा स्वाद होती है, ये कहता ही मतलब सेम, बिल्कुल सेम है, बस पता नहीं चीनी की जगह शायद इन्होंने शुगर फ्री ऐड किया होगा। कोई डिफरेंस नहीं है यार, अगर ये आ रहे हो ना 24x7 में ऐसे आउटलेट में बड़े बड़े, तो मैं पता सजेस्ट करूँगा रास्ते में जो क्वालिटी वॉल्स या क्रीम बेल ये जो अमूल वाले खड़े होते हैं ना उनसे खा लो, सेम टेस्ट है, कुछ भी ऐसा नहीं है। 24x7 आप लोगों के लिए फीडबैक है, ये ब्रांड जो भी है यार, ये कौन सा है, लंदन डेयरी, मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया, आई एम सो सॉरी बट चोक ओके। अगर ये वीडियो यहाँ तक देख लिया ना तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना और बेल आइकन दबा देना, वरना नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आई होप आप लोगों को मज़ा आया हुआ, ये थी स्पेशल वीडियो लेट नाइट मील्स एट नोएडा। तो अब आप लोगों से अलविदा लेने का समय आ गया है, ऐसी किसी यूनिक सी वीडियो में मिलते हैं आपको अगले वीकेंड। तब तक के लिए बने रहो और ऐसे ही हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार देते रहो। गुड नाइट, टेक केयर, बाय 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 बाय।